बांगमारा विधायक ढुल्लू महतो आज अदालत से बड़ा झटका लगा। जिस मामले में दो दिन पूर्व अदालत ने पुलिस हिरासत में भेजने से इनकार कर दिया था, उसी मामले में आज प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संगीता की अदालत ने विधायक ढुल्लू को 24 घंटे की सशस्त्र पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश जेल प्रशासन को दिया है। गुरुवार को बरोड़ा पुलिस ने अदालत में आवेदन दाखिल कर विधायक ढुल्लू महतो को दो दिनों का पुलिस हिरासत में देने की प्रार्थना की थी। पुलिस ने अपने आवेदन में कहा था कि पुलिस को अनुसंधान के दौरान कुछ कागजात हाथ लगे हैं, जिसके संबंध में विधायक से पूछताछ जरूरी है। पूछताछ में कई नए तथ्य आने की प्रबल संभावना है। कतरा शहर के प्रियदर्शनी पथ निवासी एवं पूर्व विधायक ओपी लाल के भतीजा राजीव कुमार श्रीवास्तव के शिकायत पर 2 मार्च 2020 को प्राथमिकी बरोड़ा थाना में विधायक ढुल्लू महतो एवं सुभाष सिंह के विरुद्ध दर्ज की गई थी। आज ढुल्लू महतो के केस में जो सुनवाई होना था वो एक केस में सुनवाई हुई माननीय न्यायाधीश राजीव जी की अदालत में एडीजे 3, जिसमें डोमन महतो से रिलेटेड केस था, उसका कल के लिए निर्धारित किया गया है आदेश के लिए। और एक दूसरा मामला था और उसके लिए भी केस डायरी का कॉल फॉर किया गया है। और एक खास बात आज हुआ है, जिसको हम लोग बराबर कहते थे कि राजनीतिक षड्यंत्र और प्रशासनिक दबाव का एक आज उदाहरण बना कि आप लोग सुने होंगे कुछ ही दिन पहले, दो दिन पहले माननीय संगीता मैडम की अदालत में एक रिमांड के लिए पिटीशन दिया गया था कि दो दिन के लिए रिमांड दिया जाए, जिसको न्यायालय ने खारिज कर दिया था। और आज अचानक किसी जानकारी के किसी तरह का जो नियम है कि ड्रॉप बॉक्स में डाला जाए, उसके दूसरा दिन निकलेगा, संबंधित पक्ष को जानकारी मिल जाएगा, लिस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अचानक वो लोग मेल के माध्यम से दिए, अभी हार्ड कॉपी आ तो उनका बक्से में पड़ा हुआ होगा, लेकिन इसका सुनवाई हो गया। गया फोन से हम लोगों को पता चला, हम लोगों ने विरोध किया कि इनका किसी भी तरह से जान को खतरा पहुंचाया जा सकता है, यह कोई ऐसा मामला नहीं बना हुआ है कि जिसमें उद्भेदन या रिकवरी का कोई जरूरत हो। उसके बाद भी हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया था, वो भी मौका हम लोगों को नहीं मिला। फिर हम लोग, चूंकि ये बहुत ही अर्जेंट मामला था, हमने माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में रिवीजन भी मेल के माध्यम से दायर कर दिया है और उन लोग रिमांड के लिए प्रयासरत हैं। और हमको उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम लोगों को पूरा सुनने का मौका मिलेगा और कल सुनवाई होगी, उसके बाद ही रिमांड दिया जाए।